हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बुल्गारियस कंट्रीज़ के बारे में, जहाँ के लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी आप लोगों को दूंगा। यहाँ का अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है सोफिया, और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें बुल्गारियन लिव है, और यहाँ के प्रेजेंट जो है रोमन रादेव है। बुल्गारियन पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 69 लाख तक की है। और अगर हम इंडिया से ट्रैवल टाइम की बात करें फ्लाइट द्वारा, तो इस ये 11 घंटे की जर्नी फ्लाइट से होती है। पहला अट्रैक्शन बरगास। बरगास समुद्र और कई झीलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत समुद्र तटीय शहर है, और अपने पड़ोसी समुद्र तटीय शहरों के विपरीत बरगास ने 20वीं शताब्दी तक वास्तव में सक्रिय रूप से विकसित होना शुरू नहीं किया था। सोजोपोल। सोजोपोल का आकर्षण समुद्र तटीय शहर बुल्गारी का सबसे पुराना शहर है। यह 610 ईस्वी पूर्व में यूनानी द्वारा स्थापित किया गया था, जहां यह कला का केंद्र, मोक्ष का स्थान बन गया। आज भी उनके सोजोपोल में बिताए समय के पुरातत्व साक्ष्य मौजूद हैं। वेलिको तार्नोवो मध्य बुल्गारी का एक छोटा सा शहर है, और जो तोरोवितिस किले के घर के रूप में सबसे प्रसिद्ध है। चूंकि यह कभी जार का घर था, इसलिए शहर को कभी कभी जारों का शहर कहा जाता है। किला 1000 मीटर 3000 फीट पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। दीवार के कई क्षेत्र आसपास के सुरभ पहाड़ियों और नीचे आकर्षक शहर के 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चौथा है बांस्को। बांस्को शहर बुल्गारिया के नंबर वन एक स्कीइंग मक्का के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिणी बुल्गारिया में बैंको शहर और पिरिन पर्वत की तलहटी में बसा है, जिसकी चोटी 2914 मीटर तक पहुंचती है। यह सोफिया की राजधानी में केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर सुविधाजनक रूप से स्थित है। नंबर पाँच वर्ना बुल्गारिया। वर्ना बुल्गारिया तीसरा सबसे बड़ा शहर है, एक समुद्र तटीय शहर है। बुल्गारिया के अन्य तटीय शहरों की तरह वर्ना भी इतिहास में डूबा हुआ है। वर्ना पुरातत्व संग्रहालय में दुनिया के सबसे पुराने सोने की विशेषताओं और प्रभावशाली सोने के प्रदर्शन हैं। तो दोस्तों, ये सारे अट्रैक्शन हैं जहां आप लोग जा सकते हैं। इस तरीके के बुल्गारिया में बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शन हैं जहां आप लोग जा सकते हैं और समय गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरीके के मैं ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को जानकारी प्रस्तुत करेगी, मुहैया कराएगी। तो दोस्तों, अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो को सपोर्ट करते रहें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगर आप लोग ट्रैवल के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट और ईमेल आईडी मेंशन होगा, जहां आप लोग अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी ट्रैवल के रिगार्डिंग अपनी जो है इंक्वायरी डाल सकते हैं। हमारी कंपनी जो है ट्रैवल ट्रैक है, और कंपनी जो है ट्रैवल पैकेज सेल करती है, तो इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रैवल ट्रैक को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग खुश रहें और आबाद रहें, अपने फैमिली का सपोर्ट करें, दोस्तों का सपोर्ट करें।